उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन लाख दावे कर ले कि सूबे में सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत एकदम इसके उलट है। आज भी प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं जहां विकास केवल कागजों में ही हुआ। बारिश के दिनों में इन जगह के हालात बस से बदतर हो जाते हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है, खासकर बच्चों को बारिश में जबरदस्त परेशानी होती है, उन्हें जान का जोखिम उठाना पड़ता है। ऐसे ही एक जगह यूपी के झांसी जिले में है। यहाँ के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जान जोखिम में डालने पर मजबूर हैं। मऊरानीपुर तहसील में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे दिन में एक बार नहीं बल्कि दो बार अपनी जान दांव पर लगाते हैं। इन बच्चों को स्कूल तक आने और स्कूल से वापस घर जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता है। वहीं मजबूरी में नाव में बैठकर पढ़ने के लिए जान जोखिम में डालने वाली नौनिहालों का कहना है कि उनके विद्यालय तक जाने के लिए एक छोटी नाव ही अंतिम और आखिरी सहारा है, जिसमें बैठना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं। छोटी नाव से स्कूल जाने और स्कूल से वापस घर जाते समय बहुत डर लगता है कि कहीं नाव पलट न जाए। नाव से आए हो, कितने कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, अभी स्कूल से कहाँ जा रहे हो? घर है। अच्छा, नाव से जाते डेली ना? अच्छा, डर नहीं लगता? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दो, दो तीन, तीन। कौन से स्कूल में? सरकारी। अच्छा, किस गांव के निवासी हो? बुढ़ाई। अच्छा जी, बताइए कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सरकारी। कौन सी कक्षा है? छह। अच्छा जी, बताइए आप लोग नाव से आई हो, डेली ना आते? हाँ। अच्छा, रोड नहीं है आप लोगों को जाने के लिए स्कूल दूसरा? नहीं नहीं है। अच्छा, स्कूल भी आना पड़ता होगा डेली ना? डर नहीं लगता? अच्छा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव से विद्यालय जाने के लिए एकमात्र एक रास्ता है और उस पर पानी चल रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन के स्तर से एक सक्रिय सी नाव ग्रामीणों को मुहैया करा दी गई। इसके साथ ही 5,000 रुपए महीने पर एक नाव पर एक नाविक को भी तैनात किया गया है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इतनी छोटी नाव में बैठने वाले स्कूली बच्चों के डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है, और कुछ दिन पहले सक्रिय नाव गहरे तालाब में डूब गई थी। गनीमत रही कि ग्रामीणों ने समय रहते लोगों को डूबने से बचा लिया। बच्ची 4 में पढ़ती है, बच्चा 2 में पढ़ता है। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? ये फेस 1 में स्कूल है, और फेस 2 पे प्लांट है हमारा। अच्छा, तो फेस 2 से फेस 1 के लाने जाते हैं बच्चे। अच्छा, कैसे जाते हैं बच्चे? जी किस्ती से। किस्ती से? किस्ती किसके माध्यम से भेजी गई थी? किस्ती एक बार प्रधान जी ने कहा होगा, जब गिर वगैरह इनसे पानी भरवा एकाएक के किस्ती भेज गए आप, या तो हम पुल बनवाइए। रिप्टा के लाए तो कई बार कह चुके, उन्होंने नहीं बनाया। किस्ती की मांगी तो एक छोटी सी किस्ती, यही ठेकेदार रहते हैं सोन की डलवा दिए। वे कहते हम बड़ी आदमी बनते हो किस्ती में? उसमें 4-5 आदमी बनते हैं। बच्चे अगर 5-6 टक्का बैठा दो तो डगमग डूब जाती है, 10 से ज़्यादा तो बैठती नहीं। अच्छा, स्कूल बच्चों को डेली नहीं आना पड़ता? इतने दिन और रास्ता नहीं है कोई? कहीं रास्ता नहीं है। अच्छा, गिर बगला ही पानी है। किसके माध्यम से आपको लगाया गया? जिलेदार की तरफ से। रोज यहाँ रोज 8 बजे से 8 बजे रात तक? अच्छा। और कभी कभी को 10 बज जाते हैं। अच्छा जी, किसके लिए लगाई गई नाव? वो आते आदमी बच्चा ने काबे के लाना। अच्छा, इससे रास्ता नहीं है क्या? नहीं, कोनो रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। कौन सा गांव है? बुढ़ाई। बुढ़ाई। अच्छा, आपको कितने रुपए मिलते हैं? 5,000 महीना के। 5,000 रुपये महीना। कितने बजे तक ड्यूटी करते हो? 8 से 8 बजे तक, कभी 10 बज जाते हैं, 10 बजे जाते। इससे कितने बच्चे, कितने लोग बनते हैं इस नाव में? इसमें नाव में बनते हैं 4 लोग, बस 5 इतने से बढ़ नहीं बनते हैं। वहीं इस गांव के प्रधान का कहना है कि पिछले कई दशक से इस गांव में हर साल मानसून के सीजन में पानी गांव को घेर लेता है, जिसके चलते गांव के पास बने तालाब और आसपास की नदियां उफान पर आ जाती हैं।
जिसमें गांव से बाहर निकलने के लिए यही रास्ता बचता है। स्कूली बच्चों को क्या खतरा है इस रास्ते? स्कूली बच्चों को मतलब प्रतिदिन विद्यालय जाना पड़ता है, और विद्यालय है अभी जो वर्तमान गाँव है उसी गाँव में विद्यालय बना हुआ है, बच्चे आते हैं फेस टू से, जहाँ से बच्चों को नाव के माध्यम से निकलना पड़ता है। प्रशासन की क्या खतरा होता है नाव से निकलने में? नाव से निकलने में सबसे बड़ा खतरा छोटी सी नाव है, इसमें यदि ज़्यादा बच्चे बैठ जाएं या नाविक जो चलाता है नाव यदि अपना संतुलन खो बैठे तो नाव डूब भी सकती है। अभी दो दिन पहले का वाकया है, चार लोग बैठे थे नाव में और बीच तालाब में जैसे नाव आई चालक अपना संतुलन खो बैठा और नाव पलट गई और बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति को डूबते डूबते बचाया है। बता दें कि झांसी जिले में इन दिनों बारिश होने से बांध, नदियां, तालाब का जलस्तर बढ़ गया है। खासतौर से बेतवा नदी और छोटी नदियां बांधों से छोड़े जाने वाले पानी के चलते डरावने अंदाज में बह रही हैं। पानी के सैलाब की परवाह किए बिना जिले के कई ऐसे इलाके हैं जहां माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नाव का सहारा लेकर अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर उन्हें विद्यालय भेजने पर मजबूर हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए झांसी से शहजाद खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।